स्वस्थ रहेगा तो कोई बीमारी नहीं होगा, तो कम पैसा लगेगा, पैसा बचेगा, उससे हम लोग खाएंगे और पिए। और ये गांधी का हमारे गांधी महात्मा गांधी उनका सपना था कि हमारा देश स्वस्थ रहे तो कम बीमारी होगा, लेकिन देश के लोग समझे नहीं। तो स्वस्थ रहने का 3-4 नियम है जो हम समझ लीजिए। खुले में शौच नहीं करना, यदि हम लोग खुले में शौच नहीं करेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगा। और खुले में शौच करने से क्या होता है, बीमारी होता है, हवा में चलता है, जैसे हवा आता है तो वो गंदा सांस आता है, उससे बीमारी होता है। दूसरा बात, हम लोग शौच से आए तो हम लोग अपना हाथ साबुन से मलें, मिट्टी से मलें, मल करना चाहिए। हम लोग साफ़ सुथरा रहना चाहिए, यदि हम लोग साफ़ सुथरा रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगा, समझे चाची। और चाची किसी जैसे कि दूसरा बात है कि हम लोग के घर में जैसे कि 3-4 तरह की गंदगी रहता है। पहला गंदगी रहता है कि सब बाजार से आता है प्लास्टिक में सब्जी चीनी तेल, फिर प्लास्टिक के हम लोग को इधर उधर नहीं देना चाहिए, वो प्लास्टिक के हम लोग के एक अपना घर में जगह बना लेना चाहिए, उसी में डालना चाहिए कि पूरा जगह हो जाए, जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर देना चाहिए। उसके बाद फिर चाची यहाँ गीला कचरा जैसे कि जूठा हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, इधर उधर नहीं देना चाहिए, उसको हम लोग के बाल्टी में एक डस्टबिन बनाना चाहिए, डस्टबिन का यूज करना चाहिए, डस्टबिन बना के और उसको ले जाकर जमीन में गाड़ देना चाहिए जूठा वाला रहता, तो उससे मुझे खाद के काम करें, समझ गए चाची। हम लोग के जब साफ सुथरा रहेंगे तो ना खुजली कल होगा और ना हम लोग को बीमारी होगा, तो हम लोग का पैसा अपने आप बचेगा।